हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हमने अपनी कल की क्लास में देखा था कि जो ICR के टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने कर लिया है। तो आज की क्लास में हम जो है प्रैक्टिस सेट 3 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाई, ठीक है। तो देखिए, हमने बात की थी, कल क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात की थी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो था आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो सेंट्रल लेवल पर या पूरे देश के लिए है, ठीक है। उसको हेड करते थे आपके कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब ये है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसको हेड कौन करेगा, डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो जिस भी स्टेट का होगा, चाहे वो आपका दिल्ली का हो, ठीक है, आपका या उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, या MP हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, ठीक है। तो जिस भी स्टेट की बात करेंगे तो उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये जो आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के जैसे एग्जाम्स होते हैं, जो आपका ये टेक्नीशियन एग्जाम भी है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं जो केमिकल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया इसमें। तो वॉशिंग सोडा होता है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है Na2CO3.10H2O, 10 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। बात करते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ठीक है। ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बांग्लादेश गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा कि बांग्लादेश जो है आपका, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पाकिस्तान 2 पार्ट्स में बटा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो आपका करंट टाइम पे पाकिस्तान है वो तो था ही, बट ये जो बांग्लादेश है ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था। और इसे आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, इसको नया देश बनाया गया था सन 1971 के टाइम पे, ठीक है। तो बात आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, इमरान खान, ठीक है। और अब बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, ढाका। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट सार्क मीटिंग सबमिट, ठीक है। सार्क क्या होता है, देख सकते, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो जितना भी ये सार्क के मेंबर्स हैं, इनकी जो पहली मीटिंग हुई है, पूछा गया कि इनकी जो पहली मीटिंग हुई बनने के बाद, तो वो कहाँ हुई थी, ठीक है, कब हुई थी बेसिकली ये पूछा गया। तो ये बना था बेसिकली कब, 1985 में, ठीक है। जो आपकी शार्क की मीटिंग है अभी, जो पिछले 2019 और 20 की आसपास जो इस सेशन की जो मीटिंग होनी थी, ये कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इंडिया ने क्या किया, इसको बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट क्यों किया, क्योंकि देखिए उसी टाइम पर क्या हुआ था, उरी अटैक हुआ था भारत में, जो उरी में सेना के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी वजह से भारत ने बायकॉट कर दिया, ठीक है। इंडिया ने कह दिया कि भाई हम सार्क मीटिंग में पार्ट नहीं करेंगे। तो बट जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें पहली जो मीटिंग हुई किस साल में हुई, 1985 के अंदर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किस चीज़ एलिमेंट के बनते हैं बेसिकली। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं, कंडक्टर मटेरियल के। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल हम जानते हैं, जैसे ये सिलिकॉन SiO2, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों सेमी कंडक्टर मटेरियल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, A and B बोथ, ठीक है। इससे क्या बनाए जाते हैं आपके, सेमी कंडक्टर मटेरियल से ट्रांजिस्टर बनाने में
हेल्प किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं द टू एटम बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान। ठीक है, जापान के जो ये दो शहर हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, इन दोनों शहरों में जापान में यूएस के द्वारा बॉम्ब गिराया गया था, जो एटॉमिक बॉम्ब है। ठीक है, वो किस साल में गिराया गया था ये पूछा है, तो ये गिराया गया था 1945 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये गिराया गया था एक्चुअली, एक तो जो आपका हिरोशिमा है, ठीक है, हिरोशिमा, यहाँ पर 6 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया था 1945 को, और यहाँ पर 9 अगस्त को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। 9 अगस्त 1945 को तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब था, और यहाँ नागासाकी में जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, और हम बात करते हैं जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो। ठीक है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या है, कौन सी है, येन। और यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस की जो आपकी कैपिटल है वो कौन है, वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके, जो बाइडेन। क्लियर, और यहाँ पर जो करेंसी है वो कौन सी है, डॉलर, जिसका सिंबल इस तरीके से एस और फिर इस तरीके से हाइफन लगता है, डंडा। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं एट विच प्लेस ईवीएम आर यूज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना, जो आजकल यूज की जाती है, जिसमें इस तरीके से एक पैड होता है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, सिंबल, और फिर यहाँ पर बटन्स होते हैं जिनको आप प्रेस करते हैं तो उससे आपका वोट डल जाता है। ठीक है, तो पहली बार भारत में कहाँ यूज हुआ, ये यूज हुआ था आपका केरला में, केरला के किस जगह, एर्नाकुलम नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, वहाँ पर ईवीएम फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज हुआ था। ठीक है, अभी बात है इलेक्शन की, तो इलेक्शन अभी जो रिसेंटली हैं आपके विधानसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं 5 राज्यों में, वो कौन कौन से हैं, 5 स्टेट्स में क्या है, इलेक्शन है आपके एमएलए के। ठीक है, जो विधानसभा है उसके इलेक्शन, तो फर्स्ट है आपका उसमें उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, ठीक है, और पंजाब, गोवा और मणिपुर। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं अभी नेक्स्ट अपकमिंग मंथ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीलंकन सिविल वॉर। ठीक है, आपने कुछ टाइम पहले न्यूज में जरूर डेफिनेटली देखा होगा, श्रीलंका में क्या कुछ वॉर टाइप की चल रही थी, और ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, LTT। ठीक है, तो LTT का फुल फॉर्म क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि जो LTT है, इसमें जो पहला टी है, फर्स्ट टी, उसका मतलब क्या है। तो देखिए पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये है क्या चीज, ये होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, तो देखिए सेकंड फर्स्ट टी की बात कर रहा था, तो उसका मतलब क्या हो गया, सॉरी फर्स्ट टी नहीं, इसमें एल का पूछा हुआ है, एल का, सॉरी टी नहीं है, एल। ठीक है, तो जो एल लेटर है फर्स्ट LTT का, एल, तो उसका मतलब क्या हो गया, लिबरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म होता है उसका लिबरेशन। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक की जो वेव्स है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है यूज किया जाता है अर्थक्वेक की जो वेव्स है उनको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिया हुआ है सिस्मोमीटर, तो सिस्मोमीटर क्या करता है कि जो अर्थक्वेक आ रहा है जिस ड्यूरेशन में, मान लीजिए 10 सेकंड के लिए अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो उस टाइम पर जो अर्थ की मूवमेंट है, ठीक है, जो अर्थ की मूवमेंट रही उसको रिकॉर्ड करने का काम सिस्मोमीटर करता है, और अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने का काम सिस्मोग्राफ करता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एमीटर, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपका, और ये वोल्टमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट। चलिए फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूथ डे होता है आपका 12 अगस्त को, जो 12 अगस्त की डेट है उस डेट में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे, और जो आपका 12 जनवरी का डे है, दिन है, वो हमारा क्या होता है, नेशनल यूथ डे। ठीक है, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी जो आपका नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद की जयंती पर के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये थे सेट जो हमारा 3 है ICR टेक्नीशियन का, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास में। सो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो अगले क्वेश्चंस हैं या न्यू नोटिफिकेशन का जानकारी आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।